वैसे हम कुछ सर्च टर्म्स ही देखने वाले हैं। एलिमेंट्स पे ही वापस जाएंगे एंड एलिमेंट्स पे जाने के बाद हमारे पास अदर ऑप्शन में है एक बबल। कल भी हमने बात करी थी बबल के बारे में। कल जब हम ग्रेडियंट देख रहे थे तब भी इस तरीके का एक बबल आया था, तब मैंने कहा था कि वो एक ग्रेडियंट वाली चीज अलग है और बबल्स अलग है जो हम अलग से देखेंगे। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे कुछ अदर बबल्स भी हैं, इसके भी हम कलरिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जब भी ये बबल्स यूज करेंगे हम हल्की सी ऑप्टिसिटी कम करके ही यूज करेंगे, और इसको किसी भी पोजिशन पे किसी भी तरह छोटा बड़ा करके यूज करो, आपके पेज को हमेशा लुक अच्छा देता है। एंड इवन बबल्स काफी कुछ ऐसे रहेंगे कि आप चाहे उसको प्रोफेशनल वे में यूज करना चाहो प्रोफेशनल में यूज करो, या आपको किसी कार्टून के हिसाब से बच्चों के हिसाब से चाहिए वैसे यूज करो, किसी भी वे में आप इसे यूज करोगे सभी में एक इलिगेंट लुक ही देगा। काफी तरह के बबल्स आपको मिलेंगे, बस ध्यान रखना हल्की सी ऑप्टिसिटी कम जरूर आपको करनी पड़ेगी। एंड कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे ग्रीनिश ज्यादा डार्क हो गया था तो वैसे ऑप्टिसिटी कम करने में वो चीज कम हो गई है, बट अगर फिर भी आपको लग रहा है कि बैकग्राउंड कलर जो था उसके अकॉर्डिंग ये वाला कलर सेट नहीं हुआ है तो नीचे कलर के ऑप्शंस भी है और हम एडजस्ट से भी कलर करना जानते हैं, वैसे हम उसे कलर कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट। यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ बबल्स। बबल्स के बाद एक और है, वो है टेक्सचर, TEXTURE, टेक्सचर। टेक्सचर में भी आप दो तरीके के यूज कर सकते हो, एक पूरा पेज कवर करना चाहो आप तो पूरा पेज कवर करो, या कल भी आई थिंक एक ने किसी ने बनाया था वो टेक्सचर ही था बट आप लोगों को शायद ग्रेडियंट पे वो मिल गया था तो किसी ने यूज किया है, पेपर में आता है एक्चुअली, वो टेक्सचर में भी नहीं आता है, उसको भी आप यूज करके हाफ वे में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया, ये टेक्सचर है, अब ध्यान देना ये जो टेक्सचर है ये पूरा आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, बट आप क्या अपने बैकग्राउंड ले रखा था ब्लू एंड ब्लैक का शेडो, आपको शेडो तो वही चाहिए बट ये जो टेक्सचर आ रहा है पेपर मैश वाला लुक आपको वो चाहिए, तो कंपल्सरी आपको 100% ऑप्टिसिटी कम करनी पड़ेगी। 100% मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कंपल्सरी आपको ऑप्टिसिटी कम करनी है, बाकी जितना शेड करना है उसके अकॉर्डिंग अबाउट 20 आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। अबाउट 20 क्यों? ताकि वो जो हमने इफेक्ट डाला है वो इफेक्ट भी दिखे, इसलिए। और ऑब्वियसली 20% आपका इफेक्ट जा रहा है इसलिए जो एक्चुअल कलर वहां पर था वो आपको नहीं दिखेगा। सेकेंड चीज, जैसे हमने इससे पहले भी करी थी आप वो भी ट्राई कर सकते हो, इफेक्ट्स पे जाके अगेन इफेक्ट्स देन डियोटोन, यहाँ से आप सिंगल कलर अगर लेना चाहते हो तो इस तरीके से यहाँ से कलर ले सकते। ये सिंगल कलर ही आएगा ध्यान रखना। इस तरीके से आप सिंगल कलर में अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ग्रेडियंट में लेना है तो ऑब्वियसली आपको ऑप्टिसिटी कम करनी पड़ेगी और ग्रेडियंट कलर्स हल्के से लाइटर हो ही जाएंगे क्योंकि उसका व्हाइट का मिक्सचर उसके ऊपर आएगा। तो इस तरीके से आप पेपर वाला बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो या कोई और टेक्सचर हमारे पास आगे है वो यूज कर सकते हो। यहाँ व्हाइट पेपर था इसलिए आपको ऑप्टिसिटी 100% कम करनी पड़ी थी, बट आगे देखोगे ये गोल्डन वाला या ब्लैक वाला जैसा है वो वाला आप यूज कर रहे हो तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है ताकि ब्लैक कलर उसके प्रॉपर दिख नहीं रहा था, व्हाइट कलर कर दिया तो प्रॉपर दिख रहा है। अब अगर आप चाहो तो इसको एज इट इज भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आप इसको छोटा करना है आपको इसको क्रॉप करना है क्रॉप करके यूज कर लीजिए, इस तरीके से भी हम इसे प्लेस कर देंगे चल जाएगा। तो इसकी ऑप्टिसिटी आप नहीं भी कम करना चाहो तो भी चलेगा, थोड़ी सी ऑप्टिसिटी कम करके 50-60-70 कर दोगे तो भी चल जाएगा। क्लियर है? जी टेक्सचर में ही और भी थोड़े हैं वो भी हम देख लेते हैं। इस टाइप का कल आई थिंक आप लोगों में से किसी ने यूज किया था,
इस तरीके के टेक्सचर भी काफी, पूरे में भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो, या ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे, केवल हेड फुटर में यूज करना है, आपके ऊपर है, आप जैसा इसे यूज करना चाहे आप उसको वैसे यूज कर सकते हो। अगेन अगर पूरे में कर रहे हो तो हल्की सी ऑप्टिसिटी कम करके यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा लुक देगा, जैसे हमने कल किए थे वैसा ही है। एक काफी उसमें मुझे ये वाला काफी अच्छा लगता है, एक पेपर जैसा बहुत सुंदर लग रहा था, वैसे इसको भी अगर पूरे में लेते हैं, ऑप्टिसिटी कम करते हो तो किसी भी कलर के साथ में लोगे इसको, ये लुक बहुत अच्छा देता है। चाहे बैकग्राउंड का कलर कुछ भी ले लो, इसका लुक हमेशा अच्छा लगता है। ये वाला भी आप काई में भी यूज कर सकते हो, इसको भी बिना ऑप्टिसिटी कम करे भी अगर आप यूज करोगे तो भी अच्छा लगेगा, और हल्का सा 60-70 की आप ऑप्टिसिटी रखेंगे तो भी अच्छी लगेगी। 70 करीबन मैंने लिया है, ये भी किसी भी कलर के ऊपर आप यूज करोगे, व्हाइट कलर है, व्हाइट गोल्डन, आप किसी पे भी यूज करो अच्छा लगता है। ये कुछ टेक्सचर्स हैं जो आप यूज करके एक लुक बना सकते हो। ब्लैक के ऊपर ये सबसे प्यारा लगता है। इसको थोड़ा छोटा छोटा बनाकर भी कहीं पे लगाओगे तो भी अच्छा लगेगा, ओवरऑल पे भी लगाना है तो भी ये लुक अच्छा दे सकता है। हल्का सा इसकी ऑप्टिसिटी 40 के अराउंड, 30-50 भी कर दोगे तो भी चलेगा, इस टाइप से रख लो तो भी लुक अच्छा देता है। ठीक है, दो चीजें देखी, एक टेक्सचर और एक बबल। इसके सिवा ये पेपर होता है, इसका एक बार आइडिया देख लेते हैं, आइडिया अलग आएगा खैर वो, और इसके ऊपर एलिमेंट्स पे डाल के हम पेपर क्राफ्ट पे डाल देते हैं। यहाँ पर क्राफ्ट में वैसे अलग अलग काफी चीजें आती है, इसमें मैक्सिमम प्रो आ रहा है वैसे, तो टेक्सचर करते आ गया। पेपर क्राफ्ट टेक्सचर कर रहे हैं तो काफी बेटर आ रहा है, इस टाइप से आप यहाँ पर लेंगे तो इसके हेडर फूटर सबसे प्यारे लगते हैं। पेपर क्राफ्ट टेक्सचर करके डाल दीजिएगा तो इसके जो होते हैं ये आपके बहुत अच्छे लुक में बैकग्राउंड्स देते हैं, या आपके जो हेडर या फुटर में यूज कर रहे हो, या आपको कहीं पे बीच में एक वो बनाना है, पार्टीशन देना है तो भी बहुत अच्छा लुक देता है ये। इसका मैं जब वो बताऊंगी फ्रेम तब मैं बताऊंगी तो एक बहुत अच्छा, उससे ज्यादा बेटर आता है, अदरवाइज अभी हम इससे ही ट्राई करते हैं। इस टाइप से हाफ पोर्शन में भी दोगे तो भी अच्छा लुक देता है। जैसे ये वाला इसको बीच में यहाँ पर रख दो, या कुछ अलग तरीके का आप पार्टीशन देना चाहते हो तो रोटेट करके इस तरीके का भी पार्टीशन दोगे तो भी अच्छा लुक देता है। जैसे उस कॉन्टेक्ट डिटेल नीचे लिखना है और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन राउंड या रजिस्ट्रेशन बिफोर चार्जेस वगैरह ऐड करना है तो हम इस तरीके के कटिंग वाले उससे ये पार्टीशन देके बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है?
कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन? नो अच्छा टेक्सचर्स, कवर्स, पेपर का। पैटर्न, बैकग्राउंड, इसको हम कलरफुल पे लेते हैं बैकग्राउंड पे, तो ज्यादा अच्छा लुक देगा। पूरे में रखना है, पूरे में रखिए, थोड़े में रखना है, थोड़े में रखिए, इट्स अप टू अस। बस थोड़ा सा क्या, इसमें कट्स आ रहे हैं तो ध्यान रखना, पूरे में लेंगे तो वो कट्स के कारण वो जो वैसा ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड देन हल्की सी ऑप्टिसिटी कम करना कंपल्सरी है, ध्यान रखना। इस तरीके से टेक्सचर बेसिस पर आपके बैकग्राउंड्स रेडी हो सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशंस उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो आपका पेज है। ये जितने भी बैकग्राउंड की तरह यूज किए, तो अगर पूरे पूरे में एक एक यूज करोगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे, कहीं कहीं पर करोगे तो वो ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ, आगे जाके हम कुछ बॉक्सेस वगैरह देखेंगे तो उस बॉक्स में जरूर आप इसे यूज कर सकते हो। ब्लैक पे या ब्लू पे भी लेते हैं, हमने ब्लू और ब्लैक दोनों तब से चला ही रहे। डार्क कलर के ऊपर जो गोल्डन कलर है वो ज्यादा अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई हमने गोल्डन पे लिया। ये वाला भी पैटर्न में जैसे हमने किया था वैसे ही मल्टी कलर में, तो थोड़ा सा ऑप्टिसिटी कम करके यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सारे पैटर्न में आ रहे हैं, टेक्सचर में भी आप यूज कर रहे थे वैसे ही, टेक्सचर या पैटर्न दोनों में कर हम। तो ये कुछ तीन टॉपिक आज मैंने वापस से बताए, ये सारे आपके बैकग्राउंड क्रिएशन के लिए थे। अब इसके बाद में हम एक अलग एलिमेंट पढ़ने वाले हैं, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे।